में आप घूम रहे थे, वही कहानी मेरी थी। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद मैंने जीत किया। पहला कार लिया 7 लाख रुपए का, दूसरा कार लिया मैंने 10 लाख रुपए का टाटा मांडा, तीसरा कार लिया 8 सीट की एक्सयूवी 500, और आज जिस गाड़ी से आया हूँ बाहर खड़ी है, उस गाड़ी को सिर्फ वीआईपी लोग चलाते हैं और वो गाड़ी सिर्फ वीआईपी लोग लेते हैं। टॉप की 10 ब्रांड में एक ब्रांड सी क्लास मर्सिडीज में बाहर खड़ी है मेरी। मेरा उम्र उस गाड़ी से मैच नहीं होता, लेकिन फिर वही बात, इसमें मेरा कोई ताकत किसका है भाई? लाइफ स्टाइल पर ये कमाल अगर मेरे जैसे लड़के के साथ हो सकता है तो आप लोगों के साथ नहीं होगा। कोई तो सोच रहे होंगे 32 साल का हो गया लड़का बोल रहा है अपने आप को, तो फिर क्या बोलूं मैं 50 की उम्र में आने के बाद भी लड़का ही बोलूंगा, पक्की बात है, ऐसे ही होगा, राइट है कि नहीं? हम लोग इस लाइफ को ना एकदम लग्जरियस लाइफ बनाने वाले हैं दोस्तों, और माय लाइफ स्टाइल में जो लोग आते हैं ना, थोड़े ही टाइम में उनकी फीलिंग उनकी सोच बदल जाती है कि अगर आज ये लोग लग्जरियस लाइफ जी रहे तो कल हम लोग जिएंगे 100%। सही बात है कि नहीं सर? जब बिजनेस में आने के बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने कभी सोचा नहीं था, जैसे बिजनेस में आए मेरी शादी हो गई तो अच्छी बात है, लेकिन बैड लक क्या था? बैड लक ये था मेरे लिए कि मेरी शादी बहुत सस्ती हुई थी। देखो क्या है ना, आप लोग कुछ और मत सोचो, पैसे की बात कर रहा हूं। 14 गाड़ी गई थी रेंट पे, बाराती को लेके जाना पड़ता है कि नहीं लेके जाना पड़ता? नहीं लेके जाना पड़ता, लेके जाना पड़ता है। तो 14 गाड़ी, एक गाड़ी का रेंट था 3,000-2,500 ऐसा करके 40,000 रुपए का रेंट हो गया गाड़ी का। बच्चा मेरी शादी जो हुई थी सब मिला के 1 लाख रुपए में हुई थी, बच्चा कितना 60,000 रुपए में जो सब आता ना तंबू टेंट वगैरह और सब बर्तन वगैरह वो सब भाड़े पे आया। उसके बाद फिर सब मिला के मिठाई उठाई जो बना मेहमानों को खिला पिला के 20-30 हज़ार रुपये में सब हो गया। इतना सस्ती शादी किया हमने। लेकिन मेरी एक छोटी बहन जिसको मैंने बेटी की तरह पाला, मेरे बड़े भाई हैं 2 साल बड़े, अभी वो आई थिंक मुझे लगता है अप्रैल में NTC बनेंगे, मेरे बड़े भाई हैं वो, और मैं, हम दोनों लोगों ने मिल के छोटी बहन को बेटी की तरह पाला। 3 मई को उसकी शादी है, कितनी आप मानोगे नहीं, अकेले मेरे हेड पे 10 लाख रुपया मेरे मम्मी के हाथ में दे रहा हूँ उसकी शादी के लिए, 10 लाख रुपया। उसके लिए कहने वगैरह 1-2 साल पहले ही बना लिया है हमने, लेकिन ऐसी शादी हो रही है कि 18 गांव में किसी ने शादी नहीं किया, राइट है ना? तो एक लायक पति, एक लायक भाई, एक लायक बेटा, ये सब कुछ मुझे बनाया इस माय लाइफ स्टाइल ने, आज बारी आपकी। सही बात नहीं सर? इस बिजनेस के अंदर आने वाली कितनी पीढ़ी को आप सुधार सकते हो, 100% सुधार सकते हो। देखो मैंने नौकरी किया 11 साल, मेरे पिताजी रामचंद्र चौहान ने नौकरी किया लाइफ टाइम, उनके पिताजी काशीराम चौहान ने नौकरी किया लाइफ टाइम, उनके पिताजी रामजस चौहान ने नौकरी किया लाइफ टाइम, ये सब रामजस चौहान जी नौकरी किए, काशीराम चौहान जी नौकरी किए, रामचंद्र चौहान जी नौकरी किए, उमेश चौहान 11 साल नौकरी। लेकिन अगली जो मेरी पीढ़ी है, मेरा बच्चा नौकरी नहीं करेगा, इस कंपनी में क्राउन एम्बेसडर बोल के जाना चाहिए। तो नसीहत में अगर कुछ देना चाहते हो अपने परिवार को, तो दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी, दिस इज बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल कॉमन पीपल, सभी साधारण लोगों के लिए एक सबसे बड़ा वरदान है ये। हाँ या ना सर? ये जो भी कुछ अचीवमेंट आप मेरा देख रहे हैं, मैं 5 बार फॉरेन ट्रिप अचीव कर चुका हूँ कंपनी के साथ, थाईलैंड गया, श्रीलंका क्वालिफाई किया, दुबई गया, हम लोग अभी ईस्टर्न यूरोप जाने वाले थे, चूंकि कोरोना की वजह से हम लोगों का रुक गया सब, इसके बाद इंडोनेशिया और कई सारी चीजें हुई सर, बहुत अच्छा लग रहा है कहते हुए कितने सारे अचीवमेंट हुए। जो भी मेरा अचीवमेंट आप देख रहे हो पिछले 8 साल के दरमियान, मेरा अचीवमेंट मेरे दोस्तों में और मेरे रिश्तेदारों में बहुत तेज बहुत फास्ट रहा, मेरे अचीवमेंट को देख कर जोरदार हो जाते हैं। मेरे अचीवमेंट को देखकर मेरे कुछ दोस्त और रिश्तेदार जलने लगे, जाहिर सी बात है तरक्की होगी तो लोग जलेंगे ही, आ या ना? जलने लगे, और अपने जो होते हैं वो सबसे ज्यादा जलते हैं, राइट है कि नहीं? लेकिन मैंने किताबों में पढ़ा है और कुछ कामयाब बुजुर्गों की जुबानी मैंने सुना है कि अगर लोग जल रहे हो ना सर, तो समझ लेना तरक्की हो रही है मेरे दोस्त, तरक्की हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं,
इतना ही नहीं, जलते जलते तो मेरे कुछ करीब के लोगों ने ऐसा बोल दिया, मुंह पे तो नहीं बोले लेकिन एक दूसरे से बोले, ये उमेश और उमेश पक्का कोई दो नंबर का काम कर रहा है। मर्सिडीज करोड़ का घर, इतना लाखों रुपए की कमाई, पक्का दो नंबर का काम कर रहा होगा कुछ तो, ऐसा सोचे लोग। आपको मालूम है दो नंबर का काम क्यों बोले लोग, जानना चाहेंगे क्यों बोले? वो लोग इसलिए बोले क्योंकि उनकी जो सोच है ना वो बहुत छोटी है, बहुत छोटी सोच है उनकी। शायद उन्हें पता नहीं है दोस्तों कि मार्केट के अंदर पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी कंपनी आई है जो दो नंबर से ज्यादा पैसा एक नंबर में देती है। किसी को भी मेरी बात पे डाउट होगा तो मेरे बैग में मेरा टैक्स का पेपर रखा है। मैंने पिछले दो साल में 11 लाख रुपया मैंने टैक्स भरा है। कितना? 11 लाख। हर एक चेक पे जितने डिस्ट्रीब्यूटर है सब लोगों से पूछ लो, कोई भी पैसा इनको आने से पहले टीडीएस डिडक्ट होता है। वाइट पैसा हम लोग कमाते हैं, वाइट पैसा, राइट है कि नहीं सर? सक्सेस चाहिए हमारे तरफ को, कामयाबी चाहिए हमारे तरफ को, कितने लोगों को चाहिए? दो चार लोग घूर घूर के देख रहे हैं, हाथ हाथ उठा लीजिए, थोड़ी मार आऊंगा तुम हाथ उठा दो तुम्हारा नहीं भाई। हाँ सर उठा लेंगे, बढ़िया। आपको मालूम है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर साधारण लोग क्यों कामयाब होते? आप करोड़पति फैमिली से हैं? नो मैम। आप सर, आप सब आप नहीं बोल रहे सर, नाराज वाराज तो नहीं है मेरे से? नहीं है। आप लोग होंगे एक दो चार लोग भी, ऐसा कोई इशू नहीं है, हर व्यक्ति के लिए बिजनेस है और उनका स्वागत है जो पहले से, लेकिन 99% लोग जोर से बोलिए नहीं है, सब लोग साधारण है, राइट? फिर साधारण लोग क्यों कामयाब हो जा रहे हैं? क्यों कामयाब हो जा रहे हैं साधारण लोग? यहां पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं और उसको बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए। लाइफ में जहां पर इसने समझते प्यार लगाओ, इसने प्यार, सहयोग, दुआएं, हेलो यस, ये सब चीजें, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना, ये सब चीजें जब जिसके लाइफ में आ जाता है वो आदमी कामयाब हो जाता है, बाहर कहीं नहीं है। मैं आपको समझाता हूं एक स्टोरी। एक आदमी मर जाता है, मरने के बाद यमराज उसके पास आता है तो यमराज से बोलता है, भाई मैं आपसे एक डिमांड करूं क्या? कौन बोलता है? वो आदमी। मेरे को अभी तुम लेके जा रहे हो मेरे जान को, मतलब जान मतलब प्राण को। मैंने अगर जिंदगी में इस धरती पर रहकर कुछ अच्छा काम किया तो अगर कुछ मांगू तो मुझे दोगे क्या? तो यमराज बोलता है, यार लाओ इसकी एक इच्छा पूरी कर देते हैं। अब तो वही बता रहा हूं क्या? मैंने बोले क्या इच्छा? वो इच्छा ऐसी होती है, उसका कहना ऐसा होता है कि मैंने धरती पर रहके इंसानों से सुना है कि नर्क लोग और स्वर्ग लोग दो है। आपने भी सुना होगा? Yes. मुझे ना किसी भी जीव में डालने से पहले, किसी भी शरीर में मेरी आत्मा को डालने से पहले मेरे को दिखा दो कि नर्क लोग कैसा होता और स्वर्ग लोग कैसा होता, मैं देखना चाहता हूं। तो यमराज बोलता है, यार ये तो बहुत कठिन बात कह दिया इसने, इसमें बहुत समय चला जाएगा, लेकिन चूंकि मैंने इससे वादा किया है तो मैं पूरा करता हूं। तो बोलता है, चलो ठीक है लेकर चलता हूं। तो लेकर जाता है तो बोलता है, पहले कौन सा लोग देखना पसंद करोगे? सोचता है तो बोलता है, मुझे पहले नर्क लोग दिखाओ। तो नर्क लोग में लेके जाता, हजारों लाखों लोग बैठे हुए, सबके सामने बढ़िया सब व्यंजन बना हुआ है खाने का, व्यंजन समझते फूड, कई तरीके का खाना बना रखा हुआ है और उनके हाथ में बड़ी सी चम्मच बंधी हुई है और सारे लोग एक दूसरे को देख के रो रहे हैं और ये कई टाइम कई दिनों ऐसा चल रहा है, रोज नया नया खाना आता है लेकिन कोई खा नहीं। कारण हाथ में बड़ी सी चम्मच बंधी हुई है, उनका हाथ मुड़ नहीं सकता जिसके वजह से वो खा नहीं सकते। ये देख के वो डर जाता है, घबरा जाता है, बोलता है अभी तुरंत नर्क लोक से मुझे निकालो और कहां लेके चलो? स्वर्ग लोक। और स्वर्ग लोक जैसे वो लेकर जाता है यमराज उसको,
बोलता है अभी यहाँ पर भी देखो तो वहां पर जाता सेम सीन, हजारों लाखों लोग उनके सामने भी तरह तरह के व्यंजन बने रखे हुए हैं, राइट है, अच्छे अच्छे डिश खाने के रखे हुए और उनके हाथ में भी बड़े से चम्मच बंधे हुए हैं, लेकिन यहाँ की कहानी ऐसी थी कि यहाँ के सब लोग हंस रहे थे। सेम सीन नर्क लोक में भी वैसा, और जोर से बोलिए जरा, सेम सीन, लेकिन यहाँ के लोग हंस क्यों रहे, वहां के लोग रो क्यों रहे। यमराज से पूछा उस रहे, यमराज बोला मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, तुम चाहिए तो इन्हीं लोगों से पूछ लो। तो ये गया पूछने के लिए और पूरी व्याख्या आपने बताया कि भाई जब मैं नर्क लोक में गया तो ऐसा ऐसा था, उतने ही लोग, उतने तरीके का स्वादिष्ट भोजन, सब कुछ वैसे के वैसे था, वहां के लोग रो रहे थे, तुम्हारे उनके हाथ में भी बड़ी सी चम्मच बंधी, वो लोग रो रहे थे, तुम्हारे हाथ में भी बड़ी सी चम्मच बंधी हुई है, फिर भी तुम लोग हंस रहे हो। तो वहां का स्वर्ग लोक का आदमी जवाब क्या देता, पूछो, मेरे हाथ में बड़ी सी चम्मच बंधी हुई है तो क्या हुआ, इसके हाथ में बड़ी सी चम्मच बंधी हुई है तो क्या हुआ, मैं मेरे हाथ से सामने वाले को खाना खिलाता हूँ, सामने वाला अपने हाथ से।